बिहार के नवादा में वाहन चेकिंग के नाम पर पैसा वसूलना दो पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। वर्दी वालों की वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों से 500 रुपए वसूली कर रहा है। 500 रुपया रख लीजिए सर, बात भीख की बात नहीं है, बस भीख की बात नहीं है। जाइए आप फाइन जमा कीजिए, सबसे असूल के कटेगा। नहीं कहीं झमेला नहीं, ये कौन सी देगा 200 रुपया? 500 रुपया? 500 से कम नहीं होता। 500 ना ना 500 500 2000 फाइन बा हमनी के 500 2000 गाड़ी घरल है चल रसीद ले 2000 ए चलते है। अच्छा सर 400 ई 100 के देते सर, वो नहीं होते। बात सुन बाबू, चार को गाड़ी मिलके 2000 रुपया दहु, अचानक के दूर जाए को चल के 2000 के तू रसीद देबो के दे देते हम अपना बगली में ना रखो। हां वो पैसा काट के जाई सरकार के यहां 500 हमरा पॉकेट में रखेगा भाई। चलो हम 2000 पूरा रसीद दे, हमरा फाइन नहीं रखेगा। आपको कोई धरेगा दिन भर नंबर भी ले सकते हैं। नंबर ले लो, नंबर लिखो, कहेगी तो छोटा बाबू सीतामढ़ी लिया फाइन, आ चार को घर ले रसीद 2000 के चलते रसीद नहीं मिल रहा है। लिखो नंबर, चाहे को रोक तो पुलिस वाला कह दिया बात करे। वीडियो वायरल होने के बाद जांच की मांग उठी और जांच में वीडियो की पुष्टि हुई, जिसमें नरहट थाना क्षेत्र के सीतामढ़ी ओपी के एएसआई रामाधार प्रसाद और साथ ही सिपाही भूपेंद्र यादव के रूप में दोनों पुलिसकर्मियों की पहचान हुई, जिसके बाद नवादा एसपी हरि प्रसाद एस ने वीडियो की जांच करवाते हुए पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दोनों पुलिसकर्मियों को फौरन निलंबित कर दिया और न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। नवादा से न्यूज के लिए अमन सिन्हा की रिपोर्ट।